एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर जी जी एक सवाल है। मतलब ये जो डिफरेंट हम स्टैक कर रहे हैं लेयर्स को, ये सब कर रहे हैं, जी 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 सर। अच्छा, तो इसको ज़रा सुन लें गौर से और फिर हम देखेंगे। अगर हम क्लेरिफाई नहीं कर सकते तो फिर बैक जाएंगे और उधर उसको देख लेंगे। वीडियो की आवाज नहीं आ रही। हाँ अच्छा, एक मिनट, वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही, एक मिनट। अच्छा अब मुझे समझ आ गई, मैं आपको बताता हूँ इसका। अच्छा ये जो है दरअसल है क्या, ये अब मैं थोड़ा सा मुझे समझ आ गई क्योंकि वो थोड़ा सा रिवाइज हो गया ना। तो ये है आपका, आपके फिल्टर साइज है 5x5 और आपके पास इसकी डेप्थ होनी चाहिए 192। ठीक है, तो दैट मींस आपका पता क्या, दैट मींस, दैट मींस आपके जो ना ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका ऐसे एक विंडो बनेगी, ठीक है, 5x5 की। सही, इसका यही मतलब है ना? सही, बिल्कुल और सर ऐसे ही है। ठीक है, और इसके ये 192 होंगे इस तरह के पीछे ऐसे, ठीक है, ऐसे पूरी ये ऐसे एक बनेगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। तो ये तो सर ये 5x5 192, पैच। हाँ 5x5 पैच के 192 प्लेट्स होंगी, यानी कि जो आपके मैट्रिक्स इसके होंगे। चैनल्स होंगे सर बैक। हाँ, तो आपका क्या है, ये आपका पूरा एक पैच बनेगा जो कि कन्वोल्यूशन होगी इसकी। सही, तो ये है इसके साथ। तो आपको जो है अब आगे पढ़ते, आगे देखते हैं। And so the output size is 20 by 20 by 32. And so you need to compute 28 by 28 by 32 numbers. And for each of them, you need to. मतलब आपके पास टोटल नंबर कितने निकलेंगे, कितने निकलेंगे, दैट मींस के आपके पास यहाँ है कि 28 पिक्सल्स हैं, 28, ये आपके 28 हैं, ये भी 28 हैं, ठीक है, और पीछे जो आपका ये नंबर ऑफ आपके डबल रोटी, समझे डबल रोटी जैसे होती है, ठीक है, डबल रोटी के जो लोफ होते हैं वो आपके पीछे 32 हैं, ठीक है। अब दैट मींस आपको टोटल नंबर अच्छा कितने कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे आपके नंबर्स हैं 28, इधर हैं 28, इधर हैं, तो 28x28 हो गया एक के अंदर, ठीक है। तो सर ये विड्थ एंड हाइट है सर, ये विड्थ हाँ मतलब आपके हाइट ये एंड चैनल्स 784 मेटल बनते हैं, ये 784, और आपके पीछे अगर चले जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 32, तो ये आपका इतने नंबर्स आपने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। अच्छा इसके लिए हमें मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन कितने होंगे वो देखना है। नंबर तो हमें पता चल गया कि हमें अरे इतने नंबर कैलकुलेट होने हैं, लेकिन इसके लिए हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितने करने होंगे। To do, you know, this many multiplications, right? 5x5 by 192. हाँ बिल्कुल सही, तो उस इस नंबर्स को जो है हमने, यानी कि हमें कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होंगे, दिस नंबर्स मल्टीप्लाई बाय दिस डायमेंशन, तो हमारे पास 120 मिलियन इस तरह आता है, ठीक है। So the total number of multiplies you need is the number of multiplies you need to compute each of the output values times the number of output values you need to compute. And if you multiply out all these numbers, this is equal अब आपके कुछ समय to इसको किसी को अगर कोई शक हो तो बता दें, यहाँ पे अभी इसको क्लियर कर लेंगे, या क्लियर है? नहीं सर क्लियर है, थैंक यू, अच्छा एक्सप्लेन कर दिया आपने। सही।
120 million. And so while you can do 120 million, आपको ना टोटल मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस हैं, मतलब जो आपके टोटल ऑपरेशंस होंगे ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, वो 120 मिलियन कैलकुलेशंस होंगी. उसके बाद आपको जो है ना ये नंबर्स मिलेंगे. Million multipliers on a modern computer, this is still a pretty expensive operation. On the next slide, you see how using the idea of one-by-one convolutions, which you learned about in the previous video, you'd be able to reduce the computational cost by about a factor of 10, to go from about 120 million multipliers to about one-tenth of that. So please remember the number 120, so you can compare it with what you see on the next slide, 120. तो आपको कह रहा है कि जब आप 1:1 कन्वोल्यूशन को आप कस्टमाइज करेंगे ना अपनी नीड्स के मुताबिक, तो आपके ये पैरामीटर या आपके जो कंप्यूटेशनल कॉस्ट है ना, ये बहुत रिड्यूस हो जाएगी, वाइल यू कैन स्टिल मेंटेन योर फीचर मैप इफेक्टिवली. यानी कि आपके फीचर मैप भी नहीं ख़त्म, मतलब ख़राब होंगे, और आप 1:1 कन्वोल्यूशन को यूज़ करते हुए ये वाला 10 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. An alternative architecture for inputting 28x28x192 and outputting 28x28x32, which is following. You're going to input the volume, use a 1x1 convolution to reduce the volume to a 16 channels instead of 192 channels, and then on this much smaller volume, run your 5x5 convolution to give you your final output. So notice the input and output dimensions are still the same. You input 28x28x192, output 28x28x32, same as the previous slide. But what we've done is we've taken this huge volume we had on the left and we've shrunk it to this much smaller intermediate volume, which is only has 16 instead of 192 channels. Sometimes this is called a bottleneck layer. Right, I guess because a bottleneck is usually the smallest part of something, right? So I guess if you have a glass bottle that looks like this, then you know this is, I guess, where the cork goes. Then the bottleneck is the smallest part of this bottle. So in the same way, the bottleneck layer is the smallest part of this network. We shrink the representation before increasing the size again. Now let's look at the computational costs involved. To apply this 1x1 convolution, we have 60 filters. Each of the filters is going to be of dimension 1x1x192. This 192 matches that 192. And so the cost of computing this 28x28x16 volume is going to be, well, you need this many outputs. And for each of them, you need to do 192 multiplications. I could have written 1 × 1 × 192, right? It's just this. And if you multiply this out, this is 2.4 million. It's about 2.4 million. How about the second? So that's the cost of this first convolutional layer. The cost of this second convolutional layer will be that, well, you have this many outputs, so 28x28x32. And then for each of the outputs, you have to apply a 5x5x16 dimensional filter. Okay, so 5x5x16. And if you multiply that out, is equal to 10.0. And so the total number of multiplications you need to do is the sum of those, which is 12.4 million multiplications. And if you compare this with what we had on the previous slide, you reduce the computational cost from about 120 million multiplies down to about one-tenth of that, to 12.4 million multiplications. अब आपको ये कमाल समझ आया 1x1 convolution का, कैसे इसने इसकी कॉस्ट को, रनिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया है, क्योंकि आपने ये ना चैनल जो थे ना, आपने इसको कम कर दिए, यानी कि डेप्थ जो है ना इसकी कम कर दी. यहाँ पे जब आपने इसकी डेप्थ को कम किया है, ठीक है, तो दैट मींस कि आपने इसके जो चैनल थे ना 192 चैनल, उसको 16 कर दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो आप कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन आपका रिजल्ट वही रहता है. ये इसका फायदा है. Locations. सर आगे जी क्या सर, ये
सर ये मैं कह रहा था कि आगे इन्होंने जब 5 × 5 × 32 का जो आगे चैनल बनाया सर, इन्होंने उसमें एक बॉटल नेक बना दिया है, तो सर बॉटल नेक का रिजल्ट कैसे सही आ सकता है सर, वो नहीं समझ आया। बॉटल नेक का रिजल्ट कैसे सही आ सकता है? बॉटल नेक का रिजल्ट ऐसे सही आ सकता है जी सर वो तो जाहिर कि है बहुत। इसमें जो है उसने इसको दोबारा एक्सपेंड कर दिया ना, मतलब आपका एंड रिजल्ट वही आया है दोबारा से। अक्सर सर यही शुरू से समझाने का, जो बॉटल नेक में नहीं जाना चाहिए आपको, कोई भी जब सोल्यूशन कर रहे हैं तो जो कॉन्वोल्यूशन है वो आपको बॉटल नेक में नहीं जाना चाहिए। तो सर इन्होंने बॉटल नेक में डाल के तो आगे उन्होंने रिजल्ट सेम निकाल दिया या करेक्ट कर दिया, तो सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी ना, इंफॉर्मेशन लॉस नहीं। फिल्टर फिल्टर इसीलिए तो लगाते हैं कि आपका फीचर मैप भी सही तरीके से निकल आए और आपकी इंफॉर्मेशन लॉस भी ना हो। जब आप सीक्वेंशियल मॉडल्स यूज करेंगे, सीक्वेंशियल मॉडल्स उसमें आप बॉटलनेक नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें फिर मसला बनता है, और फंक्शनल एपीआईज में आप कर सकते हैं। राइट आप फंक्शनल एपीआई में तो हम कहीं से भी उसका कनेक्ट कर सकते हैं ना, तो वो बॉटलनेक का चक्कर ही नहीं बनेगा। राइट राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और कि हम 16 कलर से 32 जो चैनल्स हैं वो हम कैसे अचीव कर रहे हैं कि हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो चैनल तो ऑलरेडी लॉस हो चुके हैं, हम नहीं, उनसे नए चैनल कैसे क्रिएट कर रहे हैं? ये जो आप 32, ये आपका मैं फिर वही बात करूंगा, क्योंकि आपके इस वक्त जो है 5 × 5 × 32, दैट मीन्स आपके पास 5 × 5 के 32 मैट्रिक्स होंगे, यानी कि आपको जो फिल्टर है ना वो इनिशियलाइज जब होगा ना, तो ये वाला फिल्टर होगा, तो आपको मैंने पहले भी अभी बताया था कि आपके क्या होगा, यहाँ पे आपका एक मतलब इस तरह का होगा चक्कर, ये आपका एक फिल्टर है, यानी ये पहला फिल्टर, इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर इसके पीछे आपके जो है इस तरीके से कितने होंगे, 32, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ये जो फिल्टर है 5 × 5 × 32, ठीक है, 5 × 5 और 32 आपके होंगे। लेकिन अब इसमें आप जब इसको मल्टीप्लाई, इसका जो कन्वोल्यूशन होगी, तो फिर ये वाला जो है ना, ये आपके पास कितने नंबर, मतलब मैं आप जब कन्वोल्यूशन करेंगे इसकी, ठीक है, इसके साथ यहाँ 5 × 5 ऐसे करके होगा, जब ये यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ये एक इस तरीके से आगे चलता जाएगा, ये बॉक्स ऐसे, यहाँ पे आपके क्या है, ये 5 का है ना, ऐसे, तो क्या होगा, ये एक आपका मैट्रिक्स होगा जो कि इस पे ब्रॉडकास्ट होगा। इसको सर इसको आसान करके इनको बता दे कि ये 5 × 5 के 32 आउटपुट्स लेंगे। हाँ बिल्कुल, फाइव ये बाई तो फाइव का फिल्टर कर्नल लगा के आप 32 आउटपुट्स इससे ले रहे हैं। जी, बिल्कुल आपका फाइव बाई मैं बताऊं जी, बताएं आप, बताएं। सर, दरअसल ये तीन तरीके से लेयर को स्टैक करेगा, क्योंकि जब हम प्रीवियस इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो अगर उसने जैसे 5 × 5 का कर्नल बना के इंफॉर्मेशन ली होगी तो कहीं लैग कर जाएगी, लेकिन जो कर्नल हमने 1 × 1 का बना के लेयर्स को स्टैक किया होगा, तो जहां बॉटलनेक इस तरह से आएगा कि जहां इंफॉर्मेशन मतलब बड़ी वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ जाएगी तो बॉटलनेक बन सकता है। तो इसमें हम बीच में कहीं से भी कनेक्शन को ज्वाइंट कर सकते हैं। तो अगर हमारा कनेक्शन कहीं इंफॉर्मेशन नहीं वो निकाल पा रहा होगा, तो सर वो कनेक्शन हम जहाँ से उसका बनाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन वहां से दोबारा से निकाल पाएगा। बेसिकली ये तीन इनका कर्नल लगाने का कॉज यही है। ये देखें, आप पता क्या है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ मैम, ये कितना है, 5 × 5 है ना, ठीक है, ये आप फर्ज करें कि आपका कर्नल हमने इनिशियलाइज किया है 5 × 5 का, ठीक है, लेकिन ये आपका पहला कर्नल है, ठीक है, 5 × 5 का पहला कर्नल, और इस तरह के आपके 32 कर्नल होंगे, ठीक है, 32 कर्नल होंगे। अब जब आपको पता है आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग का पता है, नम फाइव में जो ब्रॉडकास्ट होती है, तो आपका जब पहला ऑपरेशन होगा ना इसमें,
जो इसमें 32 में से जो पहला होगा, मिसाल के तौर पे ये जीरो आपका एलिमेंट है, इसका जीरो एलिमेंट, ठीक है, जीरो। और ये है आपका पहला, आपका 5 बाई 5। जब आपका यहाँ पे वो आएगा ना 5 बाई 5, ये वाला, ये होगा ब्रॉडकास्ट इसके डेप्थ के ऊपर, ठीक है। अब ये होगा मल्टीप्लाई, और फिर होगा ये सम, ये सारा हो जाएगा सम, सम होके ये एक नंबर बनेगा यहाँ, समझे। फिर ये आगे एक स्टेप आगे मूव करेगा, उसके बाद ये यहाँ आएगा, होगा यही वाला, ठीक है, जीरोथ मैट्रिक्स। उसके बाद ये सारा इससे मल्टीप्लाई होके सबसे एक नंबर बनेगा, वो यहाँ आएगा, ठीक। इस तरीके से ये चलता जाएगा चलता जाएगा, और यहाँ आपके पास 28 नंबर्स बनेंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ पे 28 है ना इधर भी, तो ये वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप वन स्टेप करता 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 ये 28 टाइम्स जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन होगी इसके साथ, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाएगा यहाँ, उसके बाद ये आ जाएगा नीचे। आपको कन्वोल्यूशन हमने पढ़ी है ना पहले, मिसाल के और तौर सर पे, यहाँ पे ये ठीक थोड़ी है। सी इंफॉर्मेशन लैग भी कर देगा। हाँ बिल्कुल, ये मेरा क्वेश्चन यही है कि हमारे पास अगर 16 चैनल हैं, अब हम उनको एक्सपेंड करके 32 पे लेके जा रहे हैं, तो द क्वेश्चन हाँ मेरा ये है कि क्या हम गैस कर सकते हैं कि 32 में जो हमने लॉस कर दिए हैं, क्या हम 32 में जब जा रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं, तो क्या हम एग्जैक्टली गैस कर सकते हैं कि 32 में जो होने चाहिए थे एग्जैक्टली वो ही है, क्योंकि 16 के बाद जो नेक्स्ट 32 है वो तो गैस वर्क होगा ना, वो तो फिल्टर मल्टीप्लीकेशन के जरिए ले रहे हैं ना, क्या वो जो ओरिजिनल इमेज है या ओरिजिनल वैल्यूज हैं, क्या वो उससे एग्जैक्टली गैस हो सकती हैं, क्या मैच कर सकती हैं उसे। जी, बिल्कुल हाँ मैच तो कर वो सकती हैं। ये सर, लेकिन हम जब हम जैसे आपने 5 बाय 5 की लगाई है, इसी तरीके से जब हम 1 बाय 1 की लगाएंगे तो वो एक एक उसमें से वैल्यूज उठाएगा ना। देखें बात वही है, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, पिक्सल बाय पिक्सल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक पूरा मैट्रिक्स है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आपके पास क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, 16 नंबर्स, ठीक है, 16 नंबर्स हैं मिसाल के तौर पे 1 से लेके 16 तक, ठीक है। वो नंबर्स यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, मिसाल के तौर पे पहला पहला नंबर है, पहला नंबर यहाँ आ रहा है, ठीक है। वो पहला नंबर जो है ना, ये थ्रू आउट पूरे जो पीछे पिक्सल है ना उनसे मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, उसका रिजल्ट फिर यहाँ आएगा इधर। इसके बाद जो है अगला, ये 1 है, दोबारा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर अगले से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगले से मल्टीप्लाई होगा, इस तरह। जब ये पूरा 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ, तो यहाँ पे एक पूरा बन जाएगा ना, एक एक मतलब एक आपके फ्रंट वाला मैट्रिक्स, या एक आपके जो डबल रोटी का जो पहला पहला लोफ है वो यहाँ आ गया। उसके बाद 2 की बारी आई, जब 2 की बारी आई तो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होता गया, सम होता गया, नंबर बनते गए, मल्टीप्लाई होता गया, सम होते गया, इस तरीके से। जब 2 खत्म हुआ तो यहाँ पे एक सेकंड ब्रेड का लोफ बन गया पीछे, ठीक है। उसके बाद 3 आया, ठीक है, 3 आया, 3 इस तरह मल्टीप्लाई होता गया और यहाँ नंबर बनते चले गए, ठीक है। तो आपके पास कितने लोफ बनेंगे पीछे ब्रेड के, 16, ठीक है, 16 लोफ बनेंगे, ऐसे ही है ना। हेलो, यस सर, ऐसे ही ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है। दैट मींस अपना हर नंबर जो है ना 28 टाइम्स इधर मूव किया, ठीक है, और 28 टाइम्स ही नीचे मूव किया, और उसको सम करता गया, सारों को पीछे मल्टीप्लाई करके सम करता गया, सही है। तो वो आपका पहला लोफ बना, फिर सेकंड नंबर आया, वो ऐसे मल्टीप्लाई होके सम होता गया, ठीक है, और उसका फिर ये सेकंड लोफ बना, इस तरीके से 16 लोफ बन गया ना, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो 5 इंटू 5, ठीक है, और आपके 32 चैनल्स, वो ही चीज, ठीक है, वो आपका जो है, अब पहले हम नंबर की बात कर रहे थे, अब हमारे पास है मैट्रिक्स, ठीक है, ये है मैट्रिक्स, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स जो है ना, ये पीछे सारा यानी कि जाएगा, इस पे ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, इसकी डेप्थ के ऊपर ब्रॉडकास्ट होगा, और वो सम हो के एक नंबर बनेगा, ठीक है, वो यहाँ आएगा, फिर अगली लाइन पे जाएगा, फिर दोबारा से वो आपका मल्टीप्लाई होगा पूरा मैट्रिक्स पीछे, यही वाला, ठीक है। ये पहले मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे आपके 32 मैट्रिक्स बनेंगे 5 इंटू 5 के, ठीक है। फर्ज किया अगला मैट्रिक्स जो पहले है, हाँ
पहले में सर 1 by 1 का मैट्रिक्स बनाया, फिर पैच बनाया, पहले में 1 by 1 का पैच। 1 by 1 बेसिकली मैट्रिक्स तो नहीं है ना, एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है। जब उसको अगर सर हम अंडरस्टैंड करें, जैसे हम 5 by 5 का पैच बना रहे हैं, अगर इस जी जी को 1 by 1 को पैच कंसीडर करें, वो भी मतलब मैट्रिक्स में कंसीडर करें, वो भी 192 तक जाएगा, लग जाएगा। हाँ 192 आपके लोफ्स है ना यहाँ पे, यहाँ पे आपके 192 सर, यहाँ पे 192 है मेरे सर। सिर्फ जो थोड़ी सी हो रही है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, वो अब 1 by 1 से हो रही है। अब 1 by 1 एक नंबर है और आगे फिर 5 by 5 एक मैट्रिक्स बन जाता है। अगर हम 1 by 1 का ये एक मैट्रिक्स को काउंट करें, अंडरस्टैंड करें, तो उसको भी पीछे जैसे 5 by 5 को लेकर जा रहा है, जैसे इसी तरह 1 का भी जो पीछे तक जाएगा एक मैट्रिक्स के अगर काउंट करें, समझा जाए तो ब्रैकेट। सर बेसिकली प्रॉब्लम सबको ये आ रहा है कि फीचर की एब्स्ट्रैक्शन कैसे हो रही है। सर 1 by 1 में ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं, जब हम 32 का हम उसमें फिल्टर्स लगाते हैं और 5 की विंडो लगाते हैं, तो सर वो आधी हो जाती है ना उसकी फीचर एब्स्ट्रैक्शन। उसने फिर 16 फीचर्स निकाले और 1 by 1 में उसने एक एक फीचर निकाल लिया ना, तो उसकी फीचर एब्स्ट्रैक्शन ज्यादा हो गई है। जब बॉटलनेक कहीं आएगा तो फिर हमने जो 1 by 1 पे फीचर एब्स्ट्रैक्शन करी है, तो वो वहां से बॉटलनेक को खत्म कर देगा। सर कंक्लूजन तो यही हुआ ना सबका। बेसिकली क्या है, आपने कितना जितना ये आप रखेंगे ना इसकी मतलब नंबर्स, वो उतने आपके पास पीछे ये डायमेंशन आएगी। मतलब बात मतलब ये समझे जरा, सर बड़ा कंफ्यूजन है ये वाला आज का टॉपिक, बहुत कंफ्यूजन। आप थोड़ा सा थ्योरिकली चल लेना, वो थ्योरी पढ़ लें सर, आप थ्योरी पढ़ेंगे ना उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है। कौन सी थ्योरी सर? जो बुक की थ्योरी है, जो एडिशन 1 है, जो बुक एडिशन 1 है ना उसमें। आप अब इसकी ये जो बात कर रही हैं चैप्टर 7 की? जी सर, चैप्टर 7 का जो फीचर एब्स्ट्रैक्शन है ना इसमें, इंसेप्शन का कंफ्यूजन दूर करने के लिए बैठा हूं। आप बताएं तो सही, आपको क्या कंफ्यूजन हो रही है सर? मैं जब सवाल करने लगती हूँ तो मेरा नेट ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्यों। इतना आज इतना गंदा नेट है ना सर, यहाँ का बहुत गंदा है। आप अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो मे बी पॉसिबल फिर मैं जो रिकॉर्डिंग में इसका सलूशन मिल जाए। सर ये चैट में मैंने मैसेज सेंड किया है, इसको जरा पढ़ के सुना। 1 into 1 convolution simply maps an input pixel with all its channels to an output pixel, not looking at anything around itself. It is often used to reduce the number of depth channels, since it is often very slow to multiply volumes with extremely large depth. Very good. ये सर आपने कहाँ से कॉपी किया? बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। अब आप दोबारा से ना, मैं दोबारा से बता सर, जो इन्होंने ये जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दी है, तो आपने सर शो तो की नहीं है, आपने तो सिर्फ पढ़ ली। अगर इनका कोई टेक्स्ट है वो आप लिंक में डाल दें। ये ये देखें, ये है इनपुट पिक्सल की बात हो रही, यहाँ पे मैट्रिक्स की बात नहीं हो रही। अब ये पिक्सल बाय पिक्सल जा रहा है। आपकी स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही सर, नई स्क्रीन नजर आ रही। स्क्रीन नजर क्यों नहीं आ रही? टाइम भी खत्म हो रहा है, नजर नहीं आ रही? नहीं सर, स्क्रीन ही नहीं आ रही। नेटवर्क शायद खराब हो गया, स्क्रीन खत्म हो गई है सर। आ गई। आप अपने खोल लेना, चैट में है ना ये, चैट में मैसेज किया सर ने। ओके सर, ठीक है। हाँ, अब आप देखें कि क्या लिखा हुआ है। 1 into 1 convolution simply maps an input pixel की बात कर रहा है यहाँ, ठीक है, पिक्सल की। अब मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे ये वो ड्रॉ करता हूँ ना, तो मैं भी पिक्सल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक ये ड्रॉ करता हूँ, ये मैं पिक्सल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पिक्सल थ्रू आउट कितने पिक्सल होंगे पीछे? 192 पिक्सल्स, सही है ऐसे? जी सर, और ये जब 1 by 1 का कर्नल चलेगा, तो दैट्स मीन वो एक एक वैल्यू को उठाएगा,
एक नंबर है ना, मिसाल के तौर पे 16 नंबर यहाँ पे रेंडमली जनरेट हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे 16 नंबर्स हैं, फर्ज किया 30 से लेकर 30 प्लस 16 कितने होते हैं, 30 से लेकर 45, ठीक है, 31, 32, मिसाल है रेंडमाइज, उसमें रेंडम तरीके से हमारे पास ये नंबर आए हैं। तो पहला नंबर जो है ना, इसका ऑपरेशन क्या होगा, पहला नंबर होगा यहाँ पे, वो मल्टीप्लाई होगा इन सारे पिक्सल के साथ पीछे, ठीक है, ये आपका पहला पिक्सल यहाँ तक, ठीक है, ठीक है, आपके पास 192 वैल्यूज है ना, तो आपका यानी कि हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होके सम हो जाएगा, सही, वो सारा सम जो है वो 192 सम होंगे, यानी कि टोटल 192 सम करके वो एक नंबर आएगा, वो यहाँ आएगा, ठीक, सही है। उसके बाद आएगी वही 30 की वैल्यू, 30 वैल्यू अब अगला पिक्सल आएगा यहाँ, ठीक है, इस तरीके से ये सारे पिक्सल मल्टीप्लाई होंगे 30 के साथ और सम हो जाएंगे, वो आपका ये दूसरी वैल्यू, ठीक है, एंड सो ऑन 28 यहाँ वैल्यू, 28 पिक्सल हैं। अब आखिरी पिक्सल यहाँ 30 मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, ये पूरे पिक्सल हैं पीछे, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होंगे, सम होंगे, फिर आखिरी वैल्यू आएगी, फिर अगले की बारी यहाँ पे, इसी तरह 30 मल्टीप्लाई होता जाएगा सारे पिक्सल के साथ ऐसे, और यहाँ पे ये थोड़ा सा रिवर्स में बता रहे हैं, ये जो एक नंबर मिसाल के तौर आपने 30 दिया है ना, हाँ ये लेफ्ट से स्टार्ट लेगा, राइट पर चलेगा पहले, हाँ ऐसे ही है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट टॉप टू बॉटम, फिर पीछे प्लेटें लगती जाएगी हर, जी 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 जी, अरे ये एक दफा 30 कंप्लीट पिक्सल से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक आपकी ये फ्रंट वाली लोफ बनेगी इधर ऐसे, ठीक है, उसके बाद आएगा 31 का नंबर, 31 का जब नंबर आएगा उसी तरीके से, जी जी, हमें ये काफी डिस्कस हो चुका है, बस आगे चलते, अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं स्टिल बता सकता हूँ, लेकिन ये मेरे ख्याल बहुत, मैंने अभी तो बहुत ही इलैबोरेट कर दिया, बहुत ज्यादा, यस सर, आज हमने आपका दिमाग खा लिया है।